आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। एटमी जंग के 5 सबूत, F-22 वर्सेस J-20, 3 देशों में इसके बाद तनाव, गाजा अंत की फाइनल डेट, घाटी में टेरर एजेंडा, गिरफ्तारी पर सियासी गदर। और बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध का एजेंडा सेट करने वाली खबर है। ये एटमी हमला कर सकते हैं पुतिन, ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख को इस बात का डर है। परमाणु जंग की ओर बढ़ रहे हैं हालात, यूक्रेन को हथियार नहीं दिए तो हार तय है। तो परमाणु जंग की ओर इस वक्त जो हालात है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। देखिए, पूर्व नेटो डिप्टी कमांडर हैं जनरल रिचर्ड शेरिफ और पूर्व ब्रिटिश सेना प्रमुख जनरल सर रिचर्ड बैरन, इन्होंने चिंता जाहिर की है और वो नई नहीं है, पहले से ही कई बार ऐसी चिंता जताई जा चुकी है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जनरल रिचर्ड बैरन ने इसके लिए 5 ट्रिगर भी बताए हैं जिसके बाद परमाणु विनाश तय है। यानी पुतिन एक प्लान में भी कामयाब हो गए तो वो महाविनाश ला देंगे। और देखिए, ब्रिटिश जनरल ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता दे। उन्होंने डर जताया है कि उसके पीछे तर्क भी दिए हैं। जरा समझिए कैसे विश्व युद्ध 3 का आगाज हो सकता है और कैसे परमाणु विनाश की आशंका को जताया जा रहा है। अगर जून तक डोनबास में पुलिस जीत जाती है इस लक्ष्य को, माफ करें, पुतिन जीत जाते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन पहले से ही खार्किव पर हमले तेज कर चुके हैं। अगर मोल्दोवा और जॉर्जिया पर कब्जा कर पाए, जॉर्जिया में पहले से ही लोग विदेशी प्रभाव पर बने एक कानून का विरोध कर रहे हैं। बाल्टिक देशों पर साइबर टेरर अटैक हो सकता है। इस मिशन के तहत पुतिन यूरोप में उथल पुथल लाना चाहते हैं। लिथुआनिया पर हमला करने का उनका प्लान है। सुआल की गैप से लिथुआनिया पर पुतिन की सेना हमला कर सकती है। पुतिन हमले करवाकर ये माहौल बना सकते हैं कि पश्चिमी देश ऐसा कर रहे हैं। यूक्रेन में फ्रांस सैन्य तैनाती कर कई बार फ्रांस इस बात का इशारा कर चुका है। ऐसा हुआ तो नेटो से सीधी टक्कर और सर्वनाश तय माना जा रहा है। और हमारे संवाददाता मनीष शाह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये तमाम जो अपडेट्स हैं ये किस तरफ इशारा कर रही है? क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध में? कब तक चलने वाला है और किस करवट ऊंट बैठेगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस की तरफ से तो यही दलील दी जाती है कि ये एक किस्म का रूसोफोबिया है जिसे ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देश के नेता लगातार आगे बढ़ा रहे हैं कि रूस ऐसा कर लेगा, रूस हिटलर की तरह एक के बाद एक पर देशों पर आक्रमण करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों के साथ देखें तो यूरोपीय देश अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, नाटो की लगातार एक्सरसाइज हो रही है। वो तमाम देश जो रूस के पड़ोसी देश भी हैं लेकिन वो नाटो के देश हैं, वो अपने यहाँ अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी हथियारों को और यहाँ तक कि न्यूक्लियर हथियारों को भी रखने की बात कर रहे हैं। तो मामला संजीदा तो है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं दिखाई देने वाले हैं। देखिए, रूस वर्सेस नाटो जब होगा तो किसके परिणाम किसके तरफ बैठेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के पास विध्वंसकारी हथियार है और एक बार युद्ध शुरू होने के बाद दोनों में से शायद ही कोई पक्ष उसे कंट्रोल करने की स्थिति में होगा। ठीक है मनीष, और तनाव इस वक्त चरम पर है जैसा आप भी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के।